ओम शांति। अजन्मा अभोक्ता अशरीरी निराकार परमात्मा शिव बाबांकर निराकारी आत्मिक संतान मानंकु भविष्य नूतन सत्ययुगी स्वर्ग राज्यर अधिकार प्राप्त करिवार शुभेच्छा शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात। आज भी पिलादिनर से केते गुड़िए अभुला स्मृति मनरे उंकी मारे। आम ग्राम एपरी एक सुंदर ग्राम, गाँवर गोटे मुंडरे गणेशंकर मंदिर, अन्य मुंडरे राधा माधव एवं ग्राम मझीरे शिव बाबांकर मंदिर, जहार सम्मुखरे आम घर। गाँ ए मुंडरे ठिया होई अनेले गाँ से मुंड देखा जाए। शिव मंदिर रे नित्य ब्राह्म मुहूर्त रे आम लौकिक पिता श्रद्धा एवं भक्ति रे झाड़ू करती। संध्या हेले लंठन धरी बसी जानती मंदिर बेढ़ारे सुललित कंठरे शिवपुराण पढ़िवा पाए, जहाँ ग्रामवासी माने बसी शुणती। शुद्धपूत एवं निष्ठार सह प्रत्येह यही कार्य पितांकर थिला नीतिदिनिया एवं शिव पार्वती को उपरे तांकर प्रगाढ़ विश्वास मध्य थिला। पिता कुहंती प्रथमे प्रथमे अत्यंत शुद्धपूतता अवलंबन करी निष्ठार सह सेवा करुथिबा कारणरु अनेक बार मांकर दर्शन मते मिलिथिला, परंतु संसार मायारे पड़ी सही शुद्धपूतता सही एकाग्रता न रहिबा कारणरु आउ केबे भी दर्शन मिलिला नाही। कि अदृश्य शक्ति जहाँ अनेक बार मते मृत्यु मुखरु बंचेबार अंगे निभा घटना घटी थिला, सही शक्तिरु मध्य मु वंचित हेली। एही वास्तव कथाटी को कहिबार उद्देश्य हेउछि, जेउठी सच्चा हृदय अछि सेठारे उन्नति सुनिश्चित। हृदय स्वच्छ नुहे तो अवनति ही अवनति, जहाँ वर्तमानर समाज समस्तंक सम्मुखरे चाक्षुष प्रमाण अटे। एही कथार मर्म को बुझिबा बुद्धिमान मानंकर बुद्धिमानीर परिचायक अटे। भगवान कहुछंती मधुर आत्मिक संतानगण, जेऊ शिव बाबांकु तुमे अधा कल्प स्मरण करिछ अर्थात द्वापर युगरु तांकु डाकी आसिछ, एबे सीधा सळख तुम मानंकु बाबांकर निर्देश मिलुछि, तुमे ताकु पालन कर, एहा द्वारा तुमर उत्थान होइजिव। विकारी आसुरी प्रवृत्ति समाप्त होई दैवी संस्कार दैवी प्रवृत्तिर उत्थान हेब, सकल गुणरे परिपूर्ण होइजिव। निजर नेचर क्योर अर्थात निजर चरित्र को निजको ही सुधारिबा को हेब। एकमात्र शिव बाबांकर स्मृति रे रहिबा द्वारा एवं स्नेहर सहित ईश्वरीय यज्ञर सेवा करिबा द्वारा चरित्रर सुधार होइथाए। एहा मध्य संपूर्ण विज्ञान सम्मत। जोगरे रहिबा द्वारा आत्मा निरोगी होइथाए। सेवा करिबा द्वारा
अपार खुशी बा आनंद प्राप्त होई थाए। जोग अर्थात निज को देह ठारु अलगा ज्योतिर्बिंदु आत्मा निश्चय करी निराकार परमात्मा को स्मरण करी चलिबा। जेऊ माने योग एवं ईश्वरीय ज्ञानर सेवारे व्यस्त रही थांती सेमानंकर नेचर बा चरित्र बदली जाई थाए। गायन अच्छी ना, बहुत गई थोड़ी रही तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाई खोए के, अर्थात अज्ञान रूपक अंधकार भितरे सत्यर संधान करी करी समय केवल अतिवाहित होवाटा जहा सार हिछि। पोथी पढ़ते पढ़ते धोती मरम न जाने कोई, ना सत्यर संधान मिलला ना सत्य पितांकर परिचय मिली पारिला। सेथी पाई बाबा बुझौछंती जे मु जिए जेपरी सही भली मने पकई चालो, अर्थात निज को आत्मा निश्चय करी निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को निरंतर मने पकई चालो। से ही तुमको साथीरे नै जिवे एवं एकोईसी पीढ़ी अर्थात सत्य त्रेतया दुई युग पर्यंत सुख शांतिर राज्य भाग्य मध्य प्रदान करिवे। केबे हेले कौनसी भी देहधारीर स्मृतिरे रहिबा अर्थात देह अभिमानरे रहिबा अनुचित, जेहेतु वर्तमान एई पुरुणा देह देहर दुनिया वस्तु वैभव सबु किछि विनाश हेबाकु जाउछि। तेणु एथिरु बुद्धि को हटाई एक निराकार सद्गतिदाता परमात्मांक सहित बुद्धिर जोग को लगाई रखिबा दरकार। सद्गुरु परमात्मा पितांकर केबे हेले निंदा करिबा उचित नुहे। गायन अछि ना, सद्गुरुंकर निंदुक को केउठारे मध्य जागा मिलि न थाए। जदि कहार कल्याण करुछ तेबे मु एहार कल्याण कली एही भली अहंकार रे आसीबा उचित नुहे। कारण करेला वाला तो जणे, तेणु तांकरी स्मृति रे रहिबा दरकार। बाबा कहुछंती अमृत बेला बा ब्राह्म मुहूर्त रे तीनोटी बिंदुर तिलक लगे रहिबा दरकार। काहिकि कोणर हलचल रु मध्य मुक्त अचल आउ अटल हेबा दरकार। तीनिटी बिंदु हेउछि आमे आत्मा माने हेउछु बिंदु, परमात्मा शिव बाबा मध्य बिंदु, एवं जहा सबु होई जाइछि बा हेउछि किछि बि नुआ नुहे। तेणु सेथिरे मध्य फुल स्टॉप अर्थात बिंदु एही स्मृति रे सर्वदा रहिबा दरकार। जहा हेबार थिला ताहा हेउछि, निजे साखी हेई केवल देखी चालो एवं आगकु बढ़ी चालो। जदि परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पर प्रवाहर शक्ति को समाप्त करिदेव तेबे सदा समर्थ होइजिव। अच्छा, आजि पाई एठारे आमे माने विराम नेबा। पुनश्च आसंता काली आमे माने एकत्रित हेबा सही कल्याणकारी पितांकर आउ किछि कल्याणकारी महावाक्य को
आलोचना करिबा पाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।